हमको जब से कुलपति के रूप में सारंग देवोत जी मिले, तब से ये जो भंवर में फंसी हुई संस्था थी उसको आपने निकाल के और बाहर लाए, और आज हम पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी जाने जा रहे हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रमों की वजह से, कार्यों का, और आपको कर्नल की उपाधि से विभूषित किया, हम इसके लिए भी सरकार के आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। हम कविराव मोहन सिंह को क्यों याद करते हैं? इसलिए हिंदी भाषा का आदि महाकाव्य पृथ्वीराज रासो एक इस तरह से खो गया था, बिखर गया था
उसको कई सारे विद्वान समेटने की और उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश में लगे, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रभति जितने भी उस समय के बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। थोड़ा थोड़ा भाग उन्होंने देखा और उसके बाद में संक्षिप्त में ही इस पूरी कथा को कर लिया। लेकिन हमारे मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर ने बीड़ा उठा लिया कि नहीं, हिंदी का जो प्राथमिक इतिवृत्त है वो झमेले में नहीं पड़ा रहना चाहिए। तो उन्होंने हिंदी भाषा के लिए, जहां से हिंदी का उद्भव हुआ वो पृथ्वीराज दासों से हिंदी का उद्भव हुआ है, और आगे चलकर आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं वो एक विकास यात्रा है। उस समय में पैसाची, सौरसेनी, अपभ्रंश, पिंगल, डिंगल और संस्कृत, इन सारी भाषाओं के अलग अलग रूप से बिखरे हुए थे। ये सारे शब्द उसमें आए थे और कोई इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा था। तो कविराव ने इस पर 40 बरस लगाए और 40 बरस के बाद में विद्यापीठ में बैठकर उन्होंने इसका संपादन किया, और यही एकमात्र उपलब्धि यहां हमारे राजस्थान विद्यापीठ की है कि देश में प्रामाणिक रूप से पृथ्वीराज दासों अगर किसी के पास है तो हमारे पास है। हिंदी का उदयपुर से बड़ा लेना देना है। हिंदी के लिए सबसे पहले नागर साहब ने यहां हिंदी साहित्य सम्मेलन बुलाया आजादी से पहले, और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए यहां उदयपुर में प्रस्ताव पारित किया गया जनू भाई द्वारा, और वही प्रस्ताव बाद में संसद में राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुआ और हिंदी राजभाषा बनी। ये गौरव भी हमको हासिल है। यह एक पवित्र संस्था जो मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर ने शुरू की 3 रुपये से, एक लालटेन से, यहां पे मैं अतिथियों को यह बताना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं की संस्था है यह। इसका निर्माण श्रमदान से हुआ। सारे कार्यकर्ता सुबह 8 बजे पहुंचते थे, पहली बिल्डिंग जो हमारी श्रमजीवी की बनी उसमें तगारियां डालते थे 10 बजे तक, और उसकी नींव भरी और वह बिल्डिंग बनवाई। वो सारी बिल्डिंग श्रमदान से बनी हुई है। और आज हमारे पास में साहित्य संस्थान में 500 साल पुराने, 700 साल पुराने ग्रंथ मौजूद हैं, हस्तलिखित ग्रंथ, और इस प्रकार की विरासत और दूसरे कहीं नहीं पाई जा रही है। हम कविराव मोहन सिंह को इसलिए याद करते हैं कि हिंदी का उद्भव और उसके विकास यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम साल में 2 बार उन्हें याद करते हैं, और पिछले वर्ष से कुलपति जी ने निर्णय किया कि एक तो संपादकाचार्य की उपाधि सम्मान संबोधन हम देंगे और एक संवादश्री का सम्मान संबोधन देंगे। तो आज हम प्रबल प्रताप सिंह जी को संपादकाचार्य का सम्मान संबोधन देने जा रहे हैं, और कमलेश पारे को संवादश्री का सम्मान देने जा रहे हैं। प्रबल प्रताप जी हमारे बीच में हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे पहले युद्ध की रिपोर्टिंग के लिए जाने गए, और अफगानिस्तान युद्ध का इन्होंने लाइव कवरेज किया था। आप सबने उस समय में देखा होगा, मैं प्रबल प्रताप अफगानिस्तान से। इसी तरह से दुनिया के 4 युद्धों का आपने लाइव प्रसारण किया, और आज आप न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर हैं। सारी खबरें जो वहां पे न्यूज पे आती है
वो आपके हाथ से निकलती है और ये जो कठिन काम है वो आप बड़ी बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं और इसलिए हमने आपको चुना कि वो ऐसी जगह है जहां सरकारें चक्कर काटती है। आप इंगित करें तो सब कुछ संभव है, लेकिन उस पद पर रहते हुए जल कमल के अनुसार जो साधना आप कर रहे हैं वह स्तुत्य है, सम्मानित होने योग्य है, इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया। पिछले वर्ष आपको समय नहीं मिला इसलिए नहीं आ पाए और इस वर्ष भी मैं पिछले दो दिन से ये महसूस कर रहा था कि जो हालात देश के हैं आप वहां से अलग हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपने वादा निभाया, आप इसके लिए हम आपके आभारी। कमलेश पारे एक ऐसी विभूति है जिन्होंने देश के कई बड़े समाचार पत्रों की स्थापना की और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उदयपुर में दैनिक भास्कर की स्थापना आपके हाथ से हुई है। आपने कई देशों में भारत सरकार की तरफ से गए और अपने उद्बोधन दिए हैं और उसके लिए आप बड़े चर्चित हैं। आज की तारीख में आप एक किसान पत्रकार के रूप में इस खेती किसानी की पत्रकारिता करने के लिए देश भर में जाने जा रहे हैं, लिखा जा रहा जैसा आप लिख रहे हैं। इसके लिए ग्रामीण संसार नाम की एक पत्रिका आपने शुरू की और आप उसके प्रधान संपादक हैं। हम आपको आज संवाद जी के सम्मान से संबोधित करेंगे। कपाई साहब जो हमारे बीच में विराजे हुए हैं वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। इस अवसर पर यहाँ आने के लिए जो स्वीकृति प्रदान की और आप पधारे इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कविता की है इसलिए इस अवसर पर मैं कवि अजातशत्रु से निवेदन करूंगा कि इस सभा का की शुरुआत अपने एक गीत से करें, कविता जिंदाबाद गीत से करें। महनीय अतिथि और सभागार के सभी उपस्थित श्रोता, मैं अपने जीवन में कई ऐसे बड़े पत्रकारों से परिचित रहा जो स्वयं बड़े कवि भी थे और बड़े बहुत विचारक कवि थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान जो है वो पत्रकार के रूप में बनाई। मैं कई ऐसे कवियों से भी परिचित रहा जिनके भीतर पत्रकारिता की एक बेहतर दृष्टि थी, इसके बावजूद वो कवि ही बने रहे। मैं बड़ी विनम्रता से और थोड़े संकोच से एक बात कह रहा हूं, जब जीवन में प्रेम घटता है तो आप समाचार नहीं लिखते हैं, जब जीवन में प्रेम घटित होता है तो आप न्यूज नहीं लिखते हैं, तब आप कविता लिखते हैं। मैं उस कवि के रूप में अपने आप को यहाँ, चूंकि इस संस्था का जो संस्था गीत है, इतनी देश भर की संस्थाओं में जाता हूं लेकिन मुझे जो गीत इस संस्था का संस्था गीत है, श्रद्धेय विशेष साहब विराजे हुए हैं, क्या लिखा साहब पंडित जनार्दन राय नागर ने, ज्योतिर्मय देश हमारा धवल हिमालय के ललाट पर अरुण तिलक अति न्यारा, ये प्राण से लिखा हुआ है, किससे लिखवाया हुआ नहीं है। और यहाँ जो पत्रकार बड़े हैं, ये बड़े खलीफा है, अगर युद्ध के मैदान में जाते हैं, आज हमारा अभिनंदन लौट के आया, देश को प्रसन्नता है कि चलो हमारा गौरव, हमारा पुरुषार्थ, हमारा अभिनंदन लौट गया। तो ये ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में उतरकर अगर सेवाएं दी है तो मैं समझता हूं ये भी किसी अभिनंदन की योगदान से कम बड़ी नहीं है। एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजाकर आप बताएं क्या सम्मान दिल से कह रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, प्राणों से कर रहे हैं। मुझे आदेश हुआ है, मैं बिल्कुल उसी आदेश की अनुपालना में चंद पंक्तियां जो एक कविता उतरी वो आप तक पहुंचाता हूं। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है, हिंदी अ अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञ ज्ञानी बनाकर छोड़ती है, ये हिंदी भाषा के संस्कार। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है, कविता शिव का विश्वान है तो राम की शक्ति पूजा है, कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है, लेकिन कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ में उतरती है तब वो गीत बन जाती है। ये बोली
ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी कवि क्यों है जिंदाबाद ये कविता। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है, सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है, नहीं बनी शागिर्द किसी की सबकी है उस्ताद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता। और कविता रहती कहाँ है, कहीं मुनव्वर राणा ने लिखा कि इस गली में एक भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहां आसमान रहता है। इन पत्रकारों ने किसानों के लिए कितना काम किया है, पारे साहब ने, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है, रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता। मैंने जब कविता लिखना शुरू की तो अभी सरस्वती का माल्यार्पण हुआ, हमने सबने, हम जितने अतिथि उन्होंने माल्यार्पण किया, मैंने भी एक शपथ ली थी, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं, करके दिखाऊं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है, स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं, तन जाती है भरी सभा में कहकर कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। और कविता की आखिरी पंक्तियां इस धरती के लिए पढ़ रहा हूं, इस मिट्टी के लिए पढ़ रहा हूं, जो एक किरदार है वो किरदार आप तक पहुंचेगा। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल्ल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है, मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार कि एक कवि के लिए आयोजित सम्मान समारोह में आपने उनको श्रद्धांजलि स्वरूप कविता पाठ करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अब हम विषय की बात करेंगे। आज जो दौर चल रहा है देश में, कुछ वर्षों पहले तो ये आशा होती थी कि मीडिया से आशा है, मीडिया कुछ ऐसा करेगा कि सारे हालात बदलेंगे, लेकिन वर्तमान में जो कुछ चल रहा है वह बड़ा कठिन दौर है और मीडिया पर भी अंगुलियां उठाई जा रही है। तो आखिर हम इस लोकतंत्र को किससे बचा सकते हैं? शिक्षा के बिना लोकतंत्र बचने वाला है नहीं, और शिक्षा में संचार माध्यमों की जो भूमिका है उस भूमिका
का निर्वहन आज किस तरह से हो रहा है, इस पर विचार करने के लिए हमने ये आयोजन ये विषय रखा है। मैं सर्वप्रथम कमलेश जी पारे को विषय प्रवर्तन के लिए अनुरोध करूंगा। आभार मानता हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को इस संस्थान में जो एक देव ऋषि ने स्थापित किया और उनकी स्मृति में जिन्होंने हिंदी को समृद्ध किया, कवि राव मोहन सिंह जी की स्मृति में आयोजित समारोह में मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अपने आप को मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि शायद मतलब जिस दिन मुझे ये सूचना मिली तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि निर्णायक मंडल से कोई चूक हो गई हो, क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक मानता नहीं हूं। मैं पिछले कुछ वर्षों से निरंतर और धुआंधार किसान, किसानी, खेत, खलिहान, गांव, गरीब और गाय पर लिख रहा हूं, तो मुझे लगा कि ये जमाना मसरूफ जरूर है लेकिन बेखबर भी नहीं रहता है, उसको खबर रहती कि कौन कहां बैठकर क्या कर रहा है। मैं आभारी हूं कि आपने उन विषयों को सम्मान देने के लिए, उन विषयों को पहचान देने के लिए मुझे सम्मानित किया, मुझे यहां बुलाया। आदरणीय कुलपति जी, हमारे यहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि इस देश में लोक भाषा, लोक भूषा, लोक भवन और लोक भोजन और राजभाषा, राजभूषा, राजभवन और राजभोजन में साफ साफ अंतर है। तो जो लोग लोक में आते हैं उनको राज वाले लोग थोड़ा गैर जरूरी मानते हैं कि ये गैर जरूरी तरह के प्रजा है, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उस गैर जरूरी प्रजा के बारे में, उनकी तकलीफों के बारे में मैं लिखूं। भगवान मेरे साथ हैं और मैं लिख भी रहा हूं। भाइयों और बहनों, मुझे कहा गया है कि समाज में मीडिया की भूमिका, शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं जो जो बातें करूंगा वो आपको सब मालूम है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता, मालूम ही नहीं है मुझे कि जो आपको नहीं पता है। बस मैं अपना निवेदन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। क्योंकि इस सभा में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास और दर्शन शास्त्र के अध्येता और अध्यापक जी बैठे हैं, तो मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 90 में छपी एक पुस्तक आज तक चर्चा में है, उसका नाम है द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन का जो लेखक है वो कहता है कि सारी दुनिया अब पश्चिम की तरफ जा रही है, सब कोई नहीं रुकना चाहता, हर आदमी चाहता है कि वो पश्चिम की तरफ जाए। और पश्चिम यानी वो लोकतंत्र जिसका कोई संविधान नहीं है, बिना संविधान के लोकतंत्र की तरफ। तो ये एंड ऑफ द हिस्ट्री शब्द इसलिए चुना गया कि उस पश्चिम में बिना संविधान का लोकतंत्र है और उसका एक ही लक्ष्य है, वो है लाभ। कुछ भी करिए आप, हमें लाभ चाहिए, हम तो जो कर रहे हैं वो लाभ के लिए कर रहे हैं। तो जब सबका विचार एक है तो इतिहास तो विचार बनाता है। इतिहास हल्दीघाटी का युद्ध दो समूहों की लड़ाई नहीं थी, दो विचारों की लड़ाई थी, दो आस्थाओं की लड़ाई थी। तो उन विचार और आस्था ने उसको ऐतिहासिक बनाया। जो बिना विचार या आस्था के संघर्ष होते हैं वो इतिहास नहीं बनते। तो इन दिनों वैचारिक स्तर पर सब एक हैं कि हमको पश्चिम बनना है, और उससे
आप कहें कि सब पश्चिम बनने में जो कोशिश है उसमें मीडिया क्यों पीछे रहेगा, मीडिया भी बराबर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पश्चिम बने। तो इसलिए जब अभी बात हो रही थी उग्रसेन जी ने कहा कि मीडिया की भूमिका, तो मेरा एक निवेदन है कि हम लोग किसी गलत प्राणी के पेट से कस्तूरी की उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कोशिश कस्तूरी ढूंढने की है, लेकिन गलत प्राणी का पेट हम लोग तलाश रहे हैं कि इससे कस्तूरी मिलेगी, जो शायद संभव नहीं है। आजकल मीडिया में अल्ट्रा वायलेट से लेकर अल्ट्रा रेड तक सारे लोग हैं, जो अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी दिशा में ले जा रहे हैं और जिनको समाज की कोई चिंता नहीं है। आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि मीडिया में इस समय जो चलन है वो ऐसा है कि कुत्ते भी थोड़ा कम जोर से लड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया में हमारे मित्र जो पढ़े लिखे हैं, जो इतिहास भी पढ़ा होगा, दर्शन भी पढ़ा होगा, लेकिन वो जिस तरह से बात करते हैं वो असहमति का वो स्तर है जो मनुष्य में नहीं होता है, पर है वो आजकल। आजकल पहले अखबार के मालिक अपने आप को प्रकाशक कहते थे, आजकल अखबार के मालिक अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं। प्रबल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जब कभी भी आप दिल्ली जाएं तो जो पत्रकार 1985 से 90 के बीच में एक्टिव रहे हों उनके जेब में या उनके संग्रह में एक फोटोकॉपी है, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि एक अखबार के मालिक ने जब वो पहली बार मालिक की तरह कुर्सी पर बैठे, अपने पिताजी से कुर्सी ली, उन्होंने पहली मीटिंग में ये कहा कि देखिए वी आर इन द बिजनेस ऑफ स्पेस सेलिंग और बची हुई जगह जो रहेगी उसमें हम खबर छाप देंगे। ये बाकायदा मैं जो कह रहा हूं ये प्रोसीडिंग है उस संस्थान के रजिस्टर में, और कुछ मेरे जैसे दुखी दिल जले लोगों ने उसकी फोटोकॉपी करा ली है और वो दिखाते हैं कि देखिए साहब हम इधर जा रहे हैं, वी आर इन द बिजनेस ऑफ स्पेस सेलिंग, बची हुई जगह में। और वो वाले अखबार मालिक सारे अखबार मालिकों के आदर्श बने, उनके जैसे चलना, उनके जैसे बोलना, उनके जैसे डांटना, सब लोग समझते थे कि अरे ये तो बहुत बढ़िया काम है, मतलब उनके आदर्श थे वो अखबार मालिक। अब और बड़े अखबार मालिक हो चुके हैं वो, भगवान उनको और आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने ये वाक्य कह के मीडिया नामक एक स्तंभ को दुकान में बदल दिया, और वो बदलता ही जा रहा है। मित्रों, एक शब्द है WWW, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो वर्ल्ड वाइड वेब सभी जानते हैं, अपन यहाँ IT हॉल में बैठे हैं, और जो अध्यापक या छात्र वनस्पति शास्त्र पढ़ते हैं उनके लिए एक WWW है, वुड वाइड वेब, जंगल में वुड वाइड वेब, पौधे आपस में बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, और वो हमको नहीं दिखता। वैसे ही जैसे वर्ल्ड वाइड वेब में मैं कुलपति जी से बात कर सकता हूँ फोन पर, और वो हमारे संवाद का जो माध्यम है वो दिखता नहीं है, ठीक वैसा का वैसा वुड वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब मीडिया में भी इन दिनों चल रहा है। आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब बैलेंस शीट्स आती हैं, जब बैंक में कागज जाते हैं, तो पता चलता है कि किसी बड़े मीडिया हाउस में किसी चर्च का पैसा लगा हुआ है। इस देश में 5 चर्चेस का, दुनिया के 5 चर्च का पैसा हमारी मीडिया इंडस्ट्री में लगा हुआ है। तो अब हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि साहब आप हमारे समाज के सुधार के लिए कुछ योगदान करें, ये संभव नहीं है, हमको कुछ और ही सोचना पड़ेगा।
जब मैं अपनी बात कहता हूं तो एक बात और बताना चाहता हूं कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन दिनों 2,66,000 करोड़ की है। अब 2,66,000 करोड़ जिस उद्योग में लगे हों, उस उद्योग से आप सिवाय लाभ के और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये आंकड़ा मैं बिल्कुल परफेक्ट दे रहा हूं, 2,66,000 करोड़ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगा हुआ है। और पत्र के मालिक, आप अपने अखबार को अखबार नहीं कहते, अब पत्र के मालिक अपने अखबार को प्रोडक्ट कहते हैं। मैं जब यहां था तो मेरे ही मालिक लोग मुझसे कहा करते थे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी चलो। यानी अब अखबार जिससे समाज सुधार की उम्मीद की जा रही है उसको आप प्रोडक्ट कहते हैं। और चूंकि आप और मैं तो नहीं जानते, प्रबल प्रताप सिंह जी जानते हैं कि आजकल उनके दिन का आधा घंटा या एक घंटा या हो सकता है 2 घंटे मालिकों के साथ इस बात में गुजरते होंगे कि कॉस्ट कटिंग कैसे की जाए। एक वर्ड और, कॉस्ट कटिंग आ गई है। अब जहां कॉस्ट कटिंग आ गई, जो प्रोडक्ट हो गया, जो व्यापार हो गया, वो कैसे समाज के प्रति कुछ योगदान कर सकता है। काका कालेलकर, गांधी जी के बहुत निजी करीबी साथी थे, वो उनके तीनों, गांधी जी के अनुपस्थिति में वो तीनों अखबार गांधी जी के निकाला करते थे और लोगों को पता नहीं चलता था कि गांधी जी इस अखबार में आज नहीं है या इस अंक में नहीं है। काका कालेलकर एकदम, तो काका कालेलकर ने एक बार हम पत्रकारों के लिए लिखा था कि हमको जितना डर मौत से नहीं लगता उससे ज्यादा डर हमको गरीबी से लगता है, और उस डर में हम बहुत सारे समझौते कर लेते हैं। अब मैं जब इतनी बातें कर रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत निराशावादी आदमी है और आपने गलत आदमी चुन लिया सुनने के लिए। नहीं, समाज का एक वैज्ञानिक नियम है। वैज्ञानिक नियम यह है जो गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब ईश्वर आएंगे या कोई ऐसी शक्ति आएगी। आप क्या समझते हैं कि मेरे जैसे निराशावादी ही लोग हैं अखबारों में? नहीं, वो एक मछली होती है, उस मछली की इच्छा होती है कि वो बाहर की दुनिया देखे, मचलती है वो, और जब बाहर आती है कूद के तब उसको पानी में जाने की इच्छा होती है। यानी वो ना जमीन में खुश है ना पानी में खुश है, वो मचलती है। तो उस तरह का आदमी ही पत्रकार बनता है। पत्रकार सब नहीं बन सकते, पत्रकार वो बनता है जिसके दिल में कुछ ना कुछ, और भगवान जब मनुष्य बनाता है तो उसकी बनाई हुई नस्लें कभी भी बदलती नहीं है। तो उसने अभी वो वाली नस्ल बनाना बंद नहीं किया है। वो चाहे अजात शत्रु जैसी कविता लिखें या प्रबल प्रताप सिंह जी जैसे पत्रकार बनाए, लेकिन वो नस्ल जिंदी है, वो नस्ल जिंदी है और हमेशा रहेगी। बस जैसे आज आप लोगों ने प्रबल प्रताप सिंह जी को पहचाना, मुझे पहचाना, ऐसे ही पहचान करने की जरूरत है समाज में। मैं 2 कहानियां सुनाना चाहता हूं। पहली कहानी यह है, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, किसी एक सज्जन के यहां बेटे की शादी थी और अगले दिन उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ गई। तो बहू ने कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ जेल चलूंगी। सबने समझाया, भाई तुम्हारी कल शादी हुई है, क्या करोगे, जेल नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं। बोले नहीं, जब आप जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। अब जब वो अपने ससुर के साथ जेल के दरवाजे तक पहुंची तो किसी ने कहा, भाई तुम ये गहने ले जा रही हो, ये जेल में किसी कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा ठीक है, उसने सारे गहने उतारे, एक सज्जन उसको दिखे, उनको उसने दे दिए कि मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। आप लोगों ने कहा कि तुम उनको पहचानती हो क्या?
बोले जानती तो नहीं हूँ, लेकिन गांधी जी की टोपी लगाए हुए थे और शायद वो कोई उन दिनों गजट कहा जाता था अखबार को, कि वो कोई गजट निकालते हैं और अध्यापक भी हैं। तो लोगों ने कहा भाई जब तुम जानते नहीं हो उनका नाम क्या है, बस इतना मालूम है गांधी जी की टोपी लगाई और अध्यापक हैं और एक अखबार भी निकालते हैं। फिर जब पूछा गया कि भाई वो कौन होंगे ऐसे, तो पता चला कि माखनलाल जी चतुर्वेदी जो हमारे यहाँ राष्ट्र कवि रहे, तो वो जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी में अखबार निकालने वाले अध्यापक और कवि, इनकी इतनी विश्वसनीयता थी कि एक बहू ने अपना सुहाग और सुहाग के सारे चिन्ह निकाल के उनको दे दिए। तो वो पीढ़ी अब आएगी, ये हम कल्पना जरूर करते हैं लेकिन आएगी जरूर। कुछ लोग जैसे मैंने बोला कि हमारे अजात शत्रु जैसे बिल्कुल हाथ में अंगारे लेकर पूछते हैं अंगारों की तासीर क्या है, वो वैसे लोग पत्रकारों में भी हैं जो बिल्कुल दीवार से सिर मारते ही रहते हैं। और आप बिल्कुल निराश ना हो कि हमारे यहाँ अब मीडिया का कुछ नहीं हो सकता, जरूर होगा। यदा यदा ही धर्म से एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब बिगाड़ का पेट भर जाएगा, उसके बाद हम और अभी भी हम अच्छे लोगों की पहचान यदि करते रहेंगे जैसे आज आपने की, तो निश्चित रूप से अच्छे दिन को आना है। एक और कहानी यदि आप अनुमति दें। एक राजा हुआ करते थे, तो आप लोग सब चूंकि राजस्थान में रहते हैं इसलिए राज परिवारों और राजाओं के बारे में जानते हैं। उनका राज एक वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में चला गया था जिसमें राजा साहब महल में तो रह सकते थे, लेकिन राज अंग्रेज बहादुर को करना था, खजाना अंग्रेज बहादुर के पास था, लेकिन राजा साहब महल में रह सकते थे। वो अच्छा खाते पीते रहते, आराम से थे। उनके साथ एक कुतिया भी थी, उसको भी वो खिलाते थे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, उसको अपना खाना उसको देते थे और वो सुख से रहती थी। वहीं एक चिड़िया भी रहती थी, तो कुतिया का बचा हुआ खाना वो चिड़िया खा लेती थी, तो उन तीनों का सामंजस्य अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजमहल में डाका पड़ा, चोरी हुई, तो कुतिया बिल्कुल नहीं भूखी, शांत सोई रही। अगले दिन उससे चिड़िया ने पूछा कि तुम तो इतनी फेथफुल हो, तुम इतनी विश्वसनीय हो, राजा साहब तुम्हारी इतनी कदर करते हैं और तुम चोरी के समय भूखी भी नहीं, ऐसे कैसे हुआ? बोले मैं कैसे भूखती, क्योंकि राजा साहब खुद चोरी में शामिल थे। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि जो लोग भी आज अखबार के मालिक हैं, अखबारों के कर्ता धर्ता हैं, वो सब चोरों में शामिल हैं। इसीलिए अखबार प्रोडक्ट हो गया है, अखबार का मालिक जो है वो बिजनेसमैन हो गया है, अखबार को वो अब स्पेस सेलिंग का धंधा मानने लगा है, लेकिन उसके बाद भी लोग अभी हैं, हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इतनी बात कह के मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। प्रोडक्ट वो पाठक समूह है जो अखबार बनाता है और विज्ञापन दाताओं के हाथों बेचता है। मैं इस तरह से देखता हूं, आज जितने भी समाचार पत्र हैं, वो सबसे पहले यह तय करते हैं कि उनका पाठक समूह ज्यादा से ज्यादा हो और टेलीविजन में टीआरपी। प्रबल जी लगे रहते हैं कि सामने बैठा हुआ कोई भी दर्शक चैनल चेंज न कर दे, क्योंकि रिमोट उसके हाथ में है। दिन भर इसी कोशिश में दिन रात कि चौंकाया जाए, दर्शक को चौंकाया जाए और वो देखना न छोड़े। और इस मामले में उन्होंने बहुत महारत हासिल की है और अपने चैनल को बहुत बड़ी टीआरपी दिलाई भी है।
लेकिन ये सब होते हुए वो क्या महसूस करते हैं उस जगह पे सीट पर बैठकर, वो हम सुनना चाहेंगे। मैं प्रबल जी से निवेदन करता हूं कि पधारें। ठीक है, रिस्पेक्टेड मेंबर्स और दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपका आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं कि मेवाड़ जो है मुझे हमेशा रोमांचित करता रहा बचपन से, और मैं करीब 5 या 6 साल का वर्ष का रहा हूंगा तो मैं पढ़ता था, तो मुझे एक 2 लाइन उस समय मेरे टीचर कहा करते थे कि कुछ उस तरह से बनो, तो मुझे अभी भी याद है और मैं सोचा आपसे शेयर करूं। चढ़चे तक तलवार था, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो वो हमारे टीचर हमेशा यही कहा करते थे, तो मैं ये सोचता था कि शायद मुझे कभी जिंदगी में एक मौका मिलेगा और मैं मेवाड़ भी हुआऊंगा। तो आज से करीब 25 साल पहले मुझे एक मौका मिला और मैं सीधे हल्दीघाटी पहुंचा। उसके बाद 2-3 बार आना हुआ और आज आपने मुझे इस लायक समझा और यहां बुला लिया, तो मैं आप सबका बड़ा आभारी हूं। रही बात पत्रकारिता और क्या मीडिया की क्या भूमिका है लोकतंत्र में, तो जितनी नाउम्मीदी से यहां डिबेट शुरू हुई है तो मेरे लायक बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो हर आदमी सवाल उठा रहा है, हर आदमी बिक चुका है, अखबार टेलीविजन टीआरपी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक हम जैसे आप अपना एक जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं, उसी तरह से हमें भी एक जिम्मेदारी, हम अपना काम करते हैं। आप में भी तमाम तरह के लोग होंगे, कुछ बहुत अच्छे बहुत जिम्मेदारी से करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। हमारी बिरादरी में भी वही हाल है, कुछ जिम्मेदार हैं, कुछ गैर जिम्मेदार हैं, कुछ आधे हैं, कुछ हैं। तो यही एक हकीकत है और इसी हकीकत को लोग अपने अपने चश्मे से देखते हैं, कहते हैं कि साहब बिक गया है तो स्पेस सेलिंग है, ये नहीं है। मैं आपको मेरे अनुभव है, मैं 28 साल से पत्रकारिता में हूं, 18 साल तो मैं टेलीविजन में हूं, और मेरे अपने अनुभव बहुत हैं। अगर आपसे मैं अपना अनुभव शेयर करूं तो आपको सुन के आपको आपके समझ में नहीं आएगा कि एक टेलीविजन जर्नलिस्ट कितनी मेहनत करता है एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। आप उम्मीद नहीं कर सकते, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितना चुनौतियां झेलता है और उन चुनौतियों से निकल के वो आपके सामने आता है। हो सकता है आप तक जो भी उसने पहुंचाया जानकारी सूचना खबर आपको पसंद ना आए, आपका एक नजरिया हो सकता है उस खबर को लेके, लेकिन हकीकत यह है कि वो आप तक उस चीज को पहुंचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करता है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खास तौर से या अखबार ने इसका ने जो सबसे बड़े प्रजातंत्र में इसकी भूमिका रही है, इसने एक आम आदमी को सशक्त किया है, इट हैज एम्पावर्ड कॉमन मैन। और मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा, मेरे पास तमाम अपने पर्सनल उदाहरण हैं और तमाम मेरे साथियों के साथ जिनके साथ मैंने काम किया। मैं लेबनान में था 2007 में और मैं युद्ध कवर कर रहा था, हमास पे बॉम्बिंग कर रहा था इसराइल, और मैं वहां बैठा था, मैं बॉर्डर से लौटा किसी तरह से जान बचा के, इतनी बम चल रहे थे वहां। होटल में आया तो मैंने खाली ऑन किया CNN और BBC। मैं CNN ऑन किया तो मुझे लगा कि मैं देखा कि एक खबर चल रही है कि द नेशन इंडिया गोज क्रेजी, तो वो खबर थी, आपने सुना होगा, आपको अगर याद हो, प्रिंस नाम का लड़का था हरियाणा में, वो एक पेन होल में गिर गया था और
ही वॉज ए स्पेशल चाइल्ड. उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे निकलूं, कैसे बाहर करूं. तो मैंने फोन किया ऑफिस, मैंने कहा भाई क्या है. तो लोगों ने मुझे बताया कि साहब ये हो गया. वहां मीडिया पहुंचा और नॉन स्टॉप 24/7 उस बच्चे के रेस्क्यू का खबर दिखाई. खैर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ गए और वो बच्चा सकुशल निकल गया. ये कहानी आपको यूं ही लगेगी लेकिन उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ. असर ये हुआ, उस घटना के बाद एक और घटना आपके राजस्थान में हुई, वहां भी एक बच्चा गिरा. और आप ताज्जुब करेंगे, बच्चे के गिरते ही उस गड्ढे में विद इन सेकेंड्स और मिनट्स पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मोबिलाइज हो गया और उस बच्चे को निकालने लगा. तो प्रिंस की कहानी में जो मैसेज गया उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो आपने हिंदुस्तान के उन तमाम इलाकों में जहां पे की प्रशासन आम आदमी की सुनता नहीं है, वो प्रिंस की घटना से हिंदुस्तान में जितने भी किस्से हुए, जहां अगर अमीर का बच्चा तो वो निकालवा ही लेगा लेकिन जो असहाय है जिसका कोई नहीं है, प्रशासन तुरंत पहुंचता था और तुरंत कार्रवाई करता था. ये उस कवरेज का असर हुआ. इसीलिए मेरा फर्म बिलीफ है कि हमने एक आम आदमी को सशक्त किया है. दूसरी घटना आपको बताता हूं. साल भर पहले आपने देखा होगा उड़ीसा में एक उनकी पत्नी का देहांत हो गया और वो कंधे पे लेके जाए एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी आपको, और वो दिखाया गया. आप ताज्जुब करेंगे, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री को आकर के सफाई देनी पड़ी या एम्बुलेंस थी या जो भी वजह थी, या हम वहां एम्बुलेंस लगाएंगे. हमारे में तमाम गलतियां हो सकती हैं, हमारे किस्सा गोई के तरीके को आप नापसंद कर सकते हो, हमारी स्टोरी टेलिंग के अंदाज को आप खारिज कर सकते हो, लेकिन बिलीव मी हम जो करते हैं उसमें एक उसके पीछे एक सोच होती है. मैं आपको अभिनंदन का बताता हूं. अभिनंदन जब पकड़ा गया पाकिस्तान में, सब लोग कहते हैं हम लोग गैर जिम्मेदार हैं, हम लोगों को कुछ नहीं आता. अभिनंदन जब पकड़ा गया, आपने किसी भी टेलीविजन स्क्रीन पे पाकिस्तान का प्रोपोगंडा चलते देखा? नहीं देखा होगा कहीं कोई गलती से किसी ने. क्यों? क्योंकि हम भी ये सोच रहे थे कि एक हमारा पायलट एक F-16 मारते हुए पाकिस्तान में के कब्जे में चला गया, उसकी जान बचाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था बजाय इसके कि हम वहां खड़े होकर के भारत पाकिस्तान दोस्ती का गीत बजाएं. तो हमारे में ऐसे में आपको कितने उदाहरण दूं जिससे ये शायद मैं कम्युनिकेट करने की स्थिति में रहूं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो चुका है. मैं जब युद्ध कवर करने गया अफगानिस्तान में, आपको अंदाजा नहीं होगा 11 दिन मुझे खाना नहीं मिला था. जब मैं लौटा तो मैं 12 किलो वजन लूज किया था. मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मैं आराम से यहां रहता, तनख्वाह लेता, मेरा भी परिवार है और मैं सुकून से रहता. और ऐसे मेरे जैसे तमाम लोग हैं. आप नक्सल बेल्ट में जाएं, देखिए 24-24 घंटे बिना खाए पिए वो और उनके सामने चैलेंज ये नहीं है. वो अगर ये भी कह देगा कि मैं नहीं जा सकता आगे गोली चल रही है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं एडिटर कहूंगा नहीं जी गोली खा के आओ, ऐसा नहीं होता है. लेकिन वो खुद एक्सेप्ट करता है चैलेंज को, नहीं साहब मैं वहां जा रहा हूं, मैं आपको रुकिए वेट कीजिए, मैं कुछ ना कुछ आपको दूंगा. और उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर रिस्किंग हिज ओन लाइफ. क्यों? वो तनख्वाह नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, वो स्क्रीन नहीं है जिसपे वो दिखता है. उसके लिए वो चैलेंज है कि इस चुनौती है मेरे सामने, मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और इसको एक, एक आपके सामने मतलब अपने व्यूअर के सामने इसको पेश करना है.
ये इसीलिए मैं कहता हूं कि जब प्रजातंत्र में आप किसी ने कहा कि साहब स्पेस सेलिंग है, वारे साहब ने बोला, किसी ने कहा कि साहब 24 घंटे में टीआरपी बेचनी, अरे आप में से कितने लोग हैं दूरदर्शन देखते हैं मुझे बताइए, वो तो सरकारी है, कितने लोग देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं, उसमें तो सब आता है भाई, सवेरे सवेरे से प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, फिर होममंत्री आ जाएंगे, गृह मंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री, पता नहीं क्या क्या आता है, कृषि होता है, सब होता है, तो क्यों नहीं देखते हैं आप? इसलिए नहीं देखते कि उनके खबर पेश करने का तरीका शायद आपको पसंद नहीं है, और जो प्राइवेट एंटिटी है उसकी खबर पेश करने का तरीका आपको पसंद है, इसलिए आप देखते हैं। तो मैं इसलिए ये दूरदर्शन वाली बात आपसे इसलिए शेयर किया कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब सा है, मैं बहुत इंजॉय करता हूं, मैं सुबह 8:30 पहुंच जाता हूं, रात के 10 बजे घर पहुंचता हूं, मेरे पर कोई दबाव नहीं, बिकॉज आई लव माई प्रोफेशन, आई एम पैशनेट अबाउट इट, मुझे कुछ करना है, मुझे अभिनंदन अगर जिंदा लौट रहा है तो उसको भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जिंदा लौटा, उसके पीछे एक कहानी क्या है, क्या वो टॉर्चर हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ। तो ये एक पेशा जो है, और इसीलिए अगर हम न रहे तो शायद आपकी आवाज, आप तो अपने नुमाइंदे चुनके भेज देते हैं विधानसभा, लोकसभा, सरकारें बन जाती हैं, तमाम ऐसी चीज होती हैं जिनका हम लोगों के जरिए ही आप लोगों तक पहुंचता है। आप हो सकता है कि आप मुझसे उम्मीद करते हो इन्हें हमें और बेहतर करना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, हम और बेहतर कर लेंगे, और अच्छा कर लेंगे, हम और अच्छा कर लेंगे जी, आप चिल्ला के मत बात कीजिए जी, हम नहीं करेंगे चिल्ला के बात, आप सब अभिनंदन को कम दिखाइए, दम नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम भी एक जर्नी होती है, हम भी वो हमारा कॉन्टिन्यूस एक एक्सरसाइज है जिससे हम कहते हैं कि नहीं भाई हम खुद प्रयोग करते हैं, एक कॉल लेना, यहां मैं एडिटर हूं आज की तारीख में, एक अभी कुछ हो जाए, मैं इतना दूर हूं, 400 का स्टाफ मेरा वहां बैठा हुआ है दिल्ली में, एक डिसीजन लेना कि ये इस खबर को पहले दिखाएं या इसको पहले दिखाएं, ये कोई आसान नहीं होती है, हम अभिनंदन के फैमिली को दिखाएं या ना दिखाएं, ये भी एक बहुत बड़ा, उसका फादर बाहर निकल के अभिनंदन का इंटरव्यू दे रहा है और हमने तय किया कि हम नहीं दिखाएंगे, जबकि वो चाहता था कि हम दिखे, मेरा बेटा आ रहा है, क्यों नहीं दिखाएंगे, कल को वो एक्सपोज हो जाए, कोई उसको मार दे, उसके परिवार को टारगेट कर दे, तो ये सब, ये हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग इतने गैर जिम्मेदार नहीं है जितना हम लोगों को बना के पेश किया जाता है, और हम लोग की जिम्मेदारी को ठीक है, उम्मीदें ज्यादा हैं और हमें तो अच्छा लगता है, नहीं तो आप शायद दूरदर्शन देखने लगेंगे, आप हमें देख रहे हैं इसलिए हम आपसे उम्मीद भी करेंगे, आप हमें क्रिटिसाइज कीजिए, आप हमें राह दिखाइए, आप हमारे ऊपर टिप्पणी कीजिए, आप हमें बस मुझे इतना ही कहना है, मेरा ये फर्म बिलीफ है कि हमने एक आम आदमी को एम्पावर किया है, उसको मजबूत बनाया है, उसकी आवाज पहुंचाई है, आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने आम आदमी जा नहीं सकता, घुस नहीं सकता कप्तान के दफ्तर में, दरोगा के कमरे में नहीं जा सकता, लेकिन हमारे यहां तो यूं ही चलाएगा, तो हमने उसे ये प्लेटफॉर्म दिया है और हमें खुशी है इस बात की कि हम उसे लगातार प्लेटफॉर्म देते रहेंगे, आप आलोचना करते रहिए, हम सुधरते रहेंगे, धन्यवाद। यह धारा सभा आपको संपादक आचार्य मान संबोधन से संबोधित कर रही है, अपने निर्णय आपने अपने पूरे जीवन में संवाद को लगातार बनाए रखने के लिए काफी काम किया है, और सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर भी आप ये काम करते रहे हैं पिछले करीब 50 वर्ष।
शिक्षा के क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है, पूरे देश की शिक्षा के लिए आपने बहुत काम किया है। हम आपको शिक्षा शास्त्री के रूप में सम्मानित करते हैं। जो तंत्र है वो जागरूक हो जाता है, करता है, मतलब हो सकता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके, पर कुछ प्रॉब्लम को इंगित करके, उनको टारगेट करके जो सॉल्यूशन करने की एक प्रथा चलती है, जो एक सिलसिला चलता है, उससे अल्टीमेटली फायदा ही होता है, नुकसान नहीं। ये कहा गया कि भाई बिक गए वगैरह वगैरह, मैं उसमें नहीं जाता। मुझे लगता है कि उनका जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो बिकने की हालत में ना आ जाए, उनके लिए जो जो कुछ करना पड़ता है वो करना पड़ता। अगर वो बिकी गए, चलने ही बंद हो गए, तो फिर आगे क्या होगा ये देखने की सिर्फ बात है। अदरवाइज एक लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे जो संचार माध्यम है ये एक बहुत बड़े टूल है। उसके कई उसको वो इतना ऑब्वियस है, इतना उसको कहने की कोई जरूरत ही नहीं। ये बात जरूर है, मैं ये चाहूंगा कि एक उन माध्यमों से कुछ शिक्षा की बातें अपने देश के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, यह भी जरा कदा होती रहनी चाहिए। मतलब अपनी जो जानकारी है अपने प्रदेश के बारे में, उसकी हिस्ट्री वगैरह, यह बहुत जरूरी है। अपने जो ग्रंथ हैं, अपने जो एपिक्स हैं, उसके बारे के अंदर भी वो करें, इन दोनों को मिला के चलें तो बहुत एक अच्छी बात रहेगी। देखिए, मुझे एक दो बात और कहनी है। जैसे संचार माध्यम के अंदर एक तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, पर जिस मीडियम से मैं थोड़ा परिचित हूं वो एक दूसरा भी है। वो ये है कि क्या शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या संचार माध्यमों का इस्तेमाल हो सकता है? वेब, ऑनलाइन एटसेट्रा, जो आप समझते हैं जी, जो कोर्सेज वगैरह आजकल चल रहे हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूं तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी उसकी बात भी करना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, अब एक जो गवर्नमेंट ने चालू किया पिछले 3-4 साल के अंदर, एक जो प्लेटफॉर्म है, वेब प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है स्वयं, आपने सुना होगा सभी ने, स्वयं प्लेटफॉर्म जो है, जिसका है कि मतलब स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग, मतलब अगर आप एक्रोनिम है ये SW करें तो इसका मतलब कि स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ऐसा करके स्वयं बनता है। तो अब आप देखिए कि इस भारतवर्ष के अंदर इस समय तकरीबन 900 यूनिवर्सिटीज हैं, सब तरह की जो यूनिवर्सिटीज माने तो 900 यूनिवर्सिटीज हैं, 45,000 से ज्यादा आजकल कॉलेज हो गए, 45,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट, 4 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, मतलब एक्सेस बढ़ रहा है, पर क्या क्वालिटी बढ़ रही है कि नहीं? मुझे लगता है कि क्वालिटी अभी नहीं बढ़ रही। मुझे एक जो इक्वालिटी, जो गैप है क्वालिटी का, वो कम होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इक्वल तो जो सरकार भी है, अनफॉर्चुनेटली जो ऑलरेडी अच्छी जगहें हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको ज्यादा पैसा दे रही है, बट इट इज मेकिंग द रिच रिचर एंड द पुअर पुअर, रिच रिचर एंड द पुअर पुअर। तो देखें कि जैसे जब भी बात होती है तो IITs, जब भी बात होती है तो IIMs, जब भी बात हो तो कहे जी कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज या टॉप 20 जैसे जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस एटसेट्रा। मुझे लगता है कि वन हैज टू वर्क एट बोथ हैंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब एक स्पेक्ट्रम जो है बड़ा, बहुत जो बड़ा उन्नत है, जो जिनके पास बहुत प्रिविलेजेस है, बड़ी रिसर्च हो रही है, और दूसरा एक वो भी सेक्शन है जो कि जिसमें पोटेंशियल तो है पर वो पोटेंशियल एक्सप्लॉइटेड नहीं है, वो ऊपर आने की स्थिति में वो हो सकता है और उनके होना चाहिए, तभी एक कॉम्पोजिट ग्रोथ, एक सबको सर्वस्पर्शी ग्रोथ होगी। उनके अंदर ये जो मीडिया है, संचार माध्यम जो है, ये जो वेब प्लेटफॉर्म वगैरह हैं,
एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपस में बातचीत एक दूसरे के सामने होती है चौक और ब्लैक बोर्ड पे, वो तो बहुत अच्छी है, पर वेब का यूज हम कर सकते हैं संचार माध्यमों का इंप्रूव। जैसे क्या कि कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है नामी, चाहे देश का हो चाहे देश से बाहर का हो, तो उसके लेक्चर आप वेब के जरिए सभी को बता सकते हैं। एक एजुकेशन का यू कैन प्रोवाइड द बेस्ट नॉलेज थ्रू दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो मुझे लगता है कि इस सारे इस्तेमाल के अंदर, और एक जो इस किस्म का मीडियम है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेकुलर मीडियम। अब पूछिए कि सेकुलर कैसे? सेकुलर इसलिए कि अभी भी जैसे गांव के अंदर होगा तो कोई होगा जी कि ये बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, एक जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो गांव में आज भी है, शहर के अंदर शायद कम दिखती है। पर मैं तो ये कहूंगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एक सबसे उन्नत यूनिवर्सिटी मानी गई, वहां पर भी ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है किसी ना किसी रूप से रहती है। पर जो इस किस्म की नॉलेज वेब है वो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ये किसी के बीच के अंदर ये नहीं करता कि भाई ये तो उच्च कोटि का है और ये निम्न कोटि का है, ये इकट्ठे बैठ सकते हैं, ये गरीब है ये अमीर है। और एक ग्रहणता जो है उसकी, जो उसकी नॉलेज की एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेस है, वो सभी जगह हो सकती है। मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत जबरदस्त क्रांति की जरूरत है। इस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज ऑनलाइन हो जाए जो एक्चुअल इंटरैक्टिव है, बट ऑनलाइन को जितना इंटरैक्टिव बनाया जा सके, जितने अच्छे अच्छे लोग लाए जा सके। अब ये आमतौर पर कहा जा सकता है, लोग कहते हैं कि अरे अरे वो तो मतलब इंटरनेट ही नहीं है, कैसे करेंगे। मुझे देखा है कि इतना जाल अब इंटरनेट का फैला है, और जितना यूनिवर्सिटी जितने जैसे ग्रामीण परिवेश के अंदर भी जो लोग हैं कितनी जल्दी समझते हैं इस सारी चीज को, मुझे लगता है कि ये चीज की जाए तो एजुकेशन के ऊपर बहुत भारी ये होगा। और मैं ये कहूंगा कि एक उदाहरण मैं देके बात खत्म करता हूं कि एक एक्सपेंशन एजुकेशन की हो, कहीं पर भी मैं यूजीसी में रहते हुए मैं मेंबर भी था और अब भी कई जगह जाता हूं। हम लोग जो शहरों में हैं, दिल्ली कलकत्ता मद्रास वगैरह में चेन्नई में, हमें समझते हैं कि सारी जो जो मोनोपोली है नॉलेज की एक्सलेंस की वो शायद बड़े शहरों में ही है। ऐसा है नहीं, बहुत नॉलेज बहुत स्कॉलरशिप सब जगह बिखरी पड़ी है, उसको हमें समेटना है। मीडिया को वो डील करते थे और आज की व्यवस्था में मीडिया बदलकर यहां तक पहुंचा है, ऐसा मैं मानता हूं, और इसीलिए हम पत्रकारों को समारोह में बुलाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन होता हुआ आज तक यहां तक आया है। वो भी महाराणा ने कोई निर्माण कार्य किए तो उसका विवरण अपनी कविता में देता था, लोग उसको गाने लग जाते थे। तो राज्य के प्रति लोगों का रुझान बनाए रखने के लिए, लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए वो काम करते थे, और आज भी मीडिया का कमोबेश यही काम है। मैं निवेदन करूंगा कुलपति जी से कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय प्रोफेसर कपाई साहब, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ यूजीसी, शिक्षा प्रोदा और राजधानी दिल्ली में शिक्षा जगत के एक तरह से धूमकेतु आप माने जाते हैं, राजस्थान विद्यापीठ के विकास में रचनात्मक सुझावों में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विगत वर्षों से है, हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। श्रीयुक्त प्रबल प्रताप सिंह जी, न्यूज चैनल 18 प्रबंध संपादक, आप अनेकानेक स्ट्रिंग ऑपरेशन के लीडर रहे हैं, जुझारू निष्ठावान और शिक्षाविद पत्रकार। मैं
आप सभी के सामने शिक्षाविद पत्र का इसलिए कह रहा हूं कि जब आपसे मेरी रात को कुछ वार्ता हुई थी तो आपने बताया था कि जो पत्रकारिता हो रही है लोग बहुत ही हल्के से लेते हैं कि पत्रकार कुछ पढ़ते भी होंगे या नहीं पढ़ते हैं केवल पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आपका है कि जिस संदर्भ में आप चाहते हैं तो उसकी पूरी गहन जानकारी करते हैं, उसे उस संबंध में कोई एक दो किताबें नहीं बल्कि आप सैकड़ों किताबें पढ़ के उसकी परफेक्ट नॉलेज लेके जाते हैं और फिर आप उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं। तो वहां किसी तरह से कोई दाव पेच कानूनी होते हैं वो कोई आगे नहीं आते हैं और उसको आप वही जो स्पॉट पे ही निपट लेते हैं। तो जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि पत्रकार एक शिक्षाविद भी होते हैं, उनको बहुत पढ़ना पड़ता है। हमारे बीच आदरणीय श्री कमलेश पारे साहब, आपका एक बहुत ही वृत्त अनुभव है, बहुत ही विभाग बात आप करते हैं, ग्रामीण हितेशी हैं, अलग विषय पर आप सोचते हैं और सरकार का ध्यानाकर्षण करते हैं। आप एक गहन चिंतनशील, एक तपस्वी मनस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं। बहुत ही युवा कवि आजाद शत्रु गेस्ट ऑफ ऑनर, बहुत बड़े साहित्यकार हैं और साहित्य के क्षेत्र में आप बहुत ही एक अद्भुत नक्षत्र हैं, देश में बड़ा नाम है। हम शायद मेवाड़ में हमेशा देखते हैं इनको बहुत ही हल्के से लेते हैं, जब यदि आप बराबर न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल पे रहते हैं तो इनको आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा देश में अपना नाम कर रहे हैं और हमें हमारे क्षेत्र गौरवित कर रहे हैं। प्रोफेसर जी एम मेहता साहब बहुत ही विद्वान अद्भुत ऊर्जा के और एक बहुत ही निष्ठा शिक्षाविद हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस विद्यापीठ को सिंचित कर रहे हैं। यह विराजमान सभी विश्वविद्यालय की अधिकृतियां, डीन, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, फैकल्टी मेंबर्स और डियर फ्रेंड्स, अभी जिस तरह से शिक्षा और लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती, संचार माध्यम की भूमिका हो सकती है, तो दोनों पक्षों में देखे थे जो हमारे वक्ताओं ने बताए अपने अनुभव से। लेकिन ये जान के बहुत ही एक और जानते भी हैं और महसूस भी करते हैं कि उद्देश्य बहुत ही पत्रकारिता के या मीडिया के बहुत ही नेक रहते हैं, श्रेष्ठ रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि काम होता है, ये बड़ी बात है। और जिन उद्देश्यों को लेके, जैसे कि अभी कवि साहब ने कहा था कि लोकतंत्र अगर जिंदा है, हम कितनी भी ऊंची ऊंची बातें करें, यदि भारत में लोकतंत्र जिंदा है तो मीडिया किस तरह से जिंदा है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मीडिया एक सिस्टम को एक लिमिट तक तो वो नजरअंदाज करेगा, लेकिन उसके बाद ऐसा पटकी नहीं देता है कि वो अपने आप ही सिस्टम हो जाता है। सम्मान करके हम एक तरह से सकारात्मक लेखन नैतिक पत्रकारिता एवं मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर के सौकार्यों को रेखांकित करना ही हमारा दे रहा है। साथ ही साहित्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, निर्भीकता, मूल्य आधारित विनयशीलता, सत्यनिष्ठा और मानव मूल्य के प्रति आस्था की इस अंतर्मन से सराहना करते हैं कि ये अवार्ड आपको मिला था। कलम की शुरुआत की कीर्ति स्थिर भी रही है। इस संदर्भ में महामनीषी डॉक्टर सुनीति कुमार चतुर्वेदी की ये पंक्तियां कितनी सटीक हैं कि भारत माता जैसे ही राजस्थान माता की यदि मूर्ति बनी जाए तो उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वीणा देना ठीक होगा। यदि राजस्थान की बात करें, यहाँ की धरती ऐसी है, एक हाथ में शौर्य की तलवार थमाते हैं और दूसरे समय यहाँ जिस तरह से हमारे साहित्य की और ज्ञान की जो गंगा रहती है तो दूसरे हाथ में हम वीणा दे सकते हैं। राजस्थान जितना अपने वीरों की शुरुआत से गौरवित है उतना ही साहित्य से भी है। भारतीय भाषा साहित्य के उद्यान का एक विस्तीर्ण भाग राजस्थान की डिंगल और पिंगल भाषाओं
के काव्यों और फुटकर कविताओं के वनस्पति महिरों और पुष्प लताओं से सजा हुआ प्रदेश के इस समृद्ध साहित्य के महामुनेश्वर की मत सूची में महत्व हस्ताक्षर रामकवि मोहन सिंह जी के रहे हैं। राम मोहन सिंह जी इनकी जो दादा थे वो सज्जन सिंह जी के प्रख्यात दरबारी कवि थे और केहर प्रकाश की बात करते हैं वो उन्हीं की देन है। इस तरह के सर्वनाम धन्य बख्तार सिंह जी के प्रपोत्र जिनका जन्म 1956 संवत में हुआ एक बच्चितोड़ के बसी गांव में, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए या किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक और पत्रकार ये दोनों हैं तब तक ये लोकतंत्र है। इन्हीं भावों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार धन्यवाद। आप भी कविराम मोहन सिंह पीठ की तरफ से जो जो कार्यक्रम होते हैं आप उसमें तुरंत ही सहमति प्रदान कर देते हैं और आज मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज के दिन ही एक पुस्तक का लोकार्पण भी होना था वो इस महीने में पूरी हो जाएगी। मैं क्षमा चाहता हूं कि इस अवसर पर वो काम नहीं हो पाया। उसमें दो तीन दिन के लिए जोधपुर की यात्रा का हो जाएगी तो वो ग्रंथ संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कविराम मोहन सिंह व्यक्तित्व और कृतित्व पे पूरा लिखा जा चुका है और मैं अब हमारे प्रोफेसर साहब ज्ञाननंद जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद की रस्म अदा करें। विश्वविद्यालय को दिया उसके लिए मैं विश्वविद्यालय के सारे परिवार के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम श्री कमलेश जी पारे जिन्होंने लोकतंत्र में और शिक्षा में संचार माध्यम की भूमिका पर बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन दिया, हमको कृतार्थ किया, हमको लाभान्वित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। प्रबल प्रताप सिंह जी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने योगदान, अपनी तपस्या और अपने श्रम का जो उल्लेख किया उससे हम बहुत अभिभूत हैं, बहुत आनंदित हुए और एक दृष्टि मिली कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या संचार माध्यम के पत्रकार को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। ये भी जैसे एक शिक्षक तपस्वी होता है उसी तरह से एक जर्नलिस्ट भी तपस्वी होता है। मैं दोनों को तपस्वी समझता हूँ और उसी तपस्वी की भूमिका में आज हमारे यहाँ ये विभूतियाँ विराजमान है। मैं आप सबकी ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इनके जो उद्बोधन हुए उस उद्बोधन से हम अपना जो योगदान है, अपना हमारी जो भूमिका है उसको पुनर्वासित करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्माननीय भूतपूर्व सदस्य प्रोफेसर कपाय साहब का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ।